ये देखें इधर, ये 13 इंच बचेगा गले का नाप आ रहा है 13 इंच, ठीक है। इस तरह आप नापें, जैसे ये 13 है ना, इस तरह, ठीक है। और तीरा तीरे का नाप बहुत फिक्स लिया करें, ये है ना शोल्डर जहाँ पे गिर रहा है, ये चीज़ और ये चीज़, ये देखें यहाँ से शुरू होगा आपका। ये शर्ट जब पहनी हुई है उसका तीरा थोड़ा बड़ा है, एक 15 इंच तीरा आएगा, ठीक है, ये 15 इंच तीरा। और फिर आगे बाजू का नाप ये इधर रखें, ये जो है ना एक हड्डी होती है इधर, ये देखें ऊपरी हुई हड्डी, इसके थोड़ा सा बस यहाँ तक लेना है आपने, ये हड्डी देखें करेंगे ना आप, ये हड्डी आ जाएगी आप यहाँ तक, ये 22.5 इंच इसका आएगा बाजू का नाप, ठीक है। ये दो तीन नाप देखें, फिर चेस्ट का नाप, ये बगल के पीछे बिल्कुल नीचे से ये चीज़, ठीक है, 30 इंच, ठीक है। कमर 25.5 इंच, ठीक है। लंबाई का नाप, ये गर्दन जैसे स्टार्ट होती है ना गर्दन, इधर से ये चीज़ देखिए यहाँ रखें फीता आप। और लंबाई ये है घुटना, ठीक, घुटना है इसका सेंटर पे आमतौर पे होता है, ठीक है। जैसे ये 36.5 आ रहा है, बाकी कस्टमर की पूछ भी सकते हैं कोई लंबा पहनते हैं कोई ऊँचा पहनते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड नाप जो होता है वो उसका सेंटर होता है घुटने का, ठीक है। अच्छा आगे आप कमीज होगी मुकम्मल आपकी, अब आ जाएंगे आप हिप का नाप, ठीक है, देख लें हिप का नाप यहाँ ऑल अराउंड 31 इंच, ठीक हो गया। अब लंबाई, ये हड्डी होती है यहाँ पे, ठीक है, कूले की हड्डी होती है उधर आमतौर पे बनाई जाती है पैंट जो भी है ट्राउजर जो भी है शलवार है। और ये लंबाई फुल लेंथ पहनी हो अगर तो ये आती है यहाँ तक अंगूठे तक, ठीक है। आजकल ट्राउजर जैसे चलते हैं खड़े खड़े, तो फिर हम यहाँ से लेंगे थोड़े, ठीक है, फिर हम यहाँ से लेंगे यहाँ तक, ये जो है ना ये जो है हड्डी होती है एक ये वाली इधर तक, ठीक है। खड़ा खड़ा पहनना है अगर तो ये हड्डी यहाँ तक, लंबाई में पहना तो आप यहाँ से भी नाप सकते हैं 37, इधर से भी नाप सकते हैं, ये सेम ही आता है, ठीक है। लेकिन अगर खड़ा खड़ा पहनना है पजामा जैसे होता है ट्राउज़र तो वो यहाँ तक आता है, ठीक हो गया। अच्छा अगर आपके ओपन बाजू है ना सूट है, ओपन बाजू सूट है, ये कौन ही आपने नापनी ज़रूर, क्योंकि वजू करते हैं बच्चे नमाज पढ़ते हैं तो ये 10 इंच है, इसका मतलब है इसकी बाजू की मोरी जो है ये 5 इंच बनेगी, 5 बनेगी तो ये इजी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कफ का नाप लेने के लिए आपको कलाई नापनी पड़ती है, जितनी कलाई आए देखें, जैसे ये 6.5 इंच है, इसमें हम 1.5 इंच जमा करेंगे 1.5 इंच तो 8 इंच का कफ लगेगा बच्चे को, ठीक है। अगर अगर आपने कफ चाहते हैं कि वो होता डबल काज वाला होता है, होता है कफ, उसको फिर आप 2 इंच जमा करेंगे, स्टार्ट काज में 2 इंच जमा करेंगे, उसमें फिर आपका 8.5 भी आपका कफ बनेगा यहाँ इतना, और बड़ा इजीली आपका स्टार्ट लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। सादा कफ लगाना है अगर आपने, जितनी है ना ये कलाई है 6.5 है तो उसमें 1.5 इंच जमा करेंगे तो 8 का कफ लगेगा, ठीक है।